कुछ और बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चन में आप देखें तो आपको एक ही कंसंट्रेशन दी हुई है 0.4, बी की 0.5, सी की 0.3, डी की 0.8, केसी की पहले था। अब ये बात तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि केसी में प्रोडक्ट के मोल ऊपर लेते हैं जो कि सी है और डी है, रिएक्टेंट के मोल नीचे लेते हैं जो ए और बी है, चूँकि टू मोल्स हैं इसलिए स्क्वायर भी लगा देंगे। अब वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो भाई यहाँ आ गया 0.3, यहाँ गया 0.8, यहाँ आ गया 0.4 और यहाँ हो गया 0.5। 0.3 को अगर मैं 3 × 10^-1 लिख दूँ एक ही बात है, इसी तरह 0.8 को भी 8 × 10^-1 लिख दूँ एक ही बात है। 0.4 पे स्क्वायर है तो 2 × 4 हो जाएंगे और 10^-1 एक के बजाय 2 बार आ जाएगा। 0.5 को फिलहाल मैं नहीं छोड़ा, रीजन बाद में बता दूँगा। अब देखिए इधर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, बिल्कुल ये कट गया, ये कट गया, ये कट रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, मजीद काटने 2 बच रहा है ना, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना, 0.5 का मतलब हाफ होता है, आंसर क्या आ गया, नहीं किया ना 0.5, देखिए नियत खराब हो गई नहीं मेरी, वरना इसको भी कर देता 5 × 10^-1, नहीं किया, ये ज़्यादा आसान लग रहा है। तो यहाँ देखो यार कह रहे हैं कि कौन सी इक्वेशन 4 दी हुई है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर को कौन फेवर करेगा, प्रोडक्ट चाहिए होती है एरोथर्मिक इंडस्ट्री में, राइट साइड। तो दो रिएक्शन तो हैं एक्सोथर्मिक में हमेशा क्या चाहिए होता है, लो टेम्परेचर, तो ये दोनों ऑप्शन तो धूप फिट टेम्परेचर को एंडोथर्मिक वाले को, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर जब करते हैं तो वहाँ जाता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, लेस। अब एक्सोथर्मिक के दो हैं, एक ये वाला, इसमें तो राइट के और लेफ्ट के मोल इक्वल, क्या होना चाहिए प्रेशर हाई करने पे, वहाँ जाना चाहिए था नंबर ऑफ मोल्स लेस, राइट, नंबर ऑफ मोल्स राइट पे लेस का ही है, डेल एच नेगेटिव का ही है, डेल एच नेगेटिव क्यों, क्योंकि लो टेम्परेचर की और एक और बड़ा अच्छा सवाल था, यूरिया दिया हुआ है 240 g/10 L में और कह रहे इसका एक्टिव मास, एक्टिव मास का एक और नाम होता है कंसंट्रेशन, यानी मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब मेरे भाई मुझे तो बताइए कि यूरिया का मॉलिकुलर वेट 60 है, जिसको नहीं पता भाई वो याद कर ले, नहीं तो मैं एक काम करूँगा कि सारे इंपॉर्टेंट मॉलिकुलर वेट्स की भी एक वीडियो डाल दूंगा भाई, जो कम से कम याद कर लें यार। 240 को 60 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे फर्दर क्या होता है, मोल्स आ गए, मोल को किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम से, 10 L है तो बहुत आसान है, 0.4 मोल पर डीएम क्यूब या 0.4 मोल पर लीटर, एक ही बात होती है, लीटर और डीएम क्यूब जहन में रखना है। आज भी मैंने और बहुत सारी वीडियोस दी, और देखिए जिन लोगों को डॉकर टेस्ट देना है, कराची हिस्ट्री का देना है, नेस का देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री की जितनी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करके सीरीज आ रही है भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट है, कल भी बहुत सारी डालेंगे, उससे पहले भी कंटिन्यूसली आपको प्ले लिस्ट से भी मिलती जाएगी और वैसे भी करते रहे। थैंक्स।